हेलो एवरीवन, आज हम इस मैबलिन फिटमी का लिपस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये 20, इसका सीरियल नंबर है 20 और इसका कलर आप देखेंगे कैसा आएगा, इस तरीके से दिख रहा है। सबसे बड़ी इसकी खास बात क्या है कि ये बहुत स्मूथ होता है और जितने समय आप रखना चाहें इसको 24 आवर्स तो चलता ही चलता है। और चाहे आप खाना खाइए, पानी पीजिए, कुछ भी करिए, और सबसे अच्छी खास बात जो है ये ट्रांसफ़र नहीं होती है। मतलब कहीं भी अगर आपने किसी को नथ भी पहना दिया है तो बहुत सारे लिप कलर कितने भी महंगे हम ले लें लेकिन उसका लिप कलर में नथिया में लगकर दूसरी जगह लग जाता है, पर इससे ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और इसकी जो MRP है वो 650 रुपये है और ये जो मुझे मिली हुई है वो शायद 500 के आसपास मिली हुई है, मुझे कंफर्म नहीं पता हुआ है क्योंकि काफ़ी सामान एक साथ लिया हुआ था और मैंने सिर्फ लाइनर लगाया हुआ है। मैं सोची थी इसकी वीडियो बनाऊँ पर देखती हूँ अगर सही बनी होगी तो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे इस तरीके से ये मैं एक्चुअली जेल लाइनर को चेक कर रही थी कि वो फैलता है कि नहीं फैलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको आपको चेक करना होता है, तो बस चेक करते करते मैंने ये इस तरीके से लगाया तो ये बहुत स्मूथ लग नहीं रहा था। तो मैंने ये वीडियो, हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ क्योंकि बहुत अच्छे से नई फिनिशिंग से लगा हुआ है, लग ही नहीं रहा था, इस थोड़ा सा सूख गया था। तो चलिए उसको किस तरीके से लाइनर को हम गीला करें वो सब हम आगे बताएंगे, पर आज हम लोग जो ये लिप कलर बताने वाले हैं वो किस तरीके से दिखता है लगाने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसी से लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इससे भी लगा सकती हैं, आप लिप कलर ब्रश से भी लगा सकती हैं, पर अभी मैं इसी से लगा रही हूँ क्योंकि लिप कलर ब्रश तो अभी मेकअप चल रहा है तो उसकी वजह से अभी क्लीन नहीं है। और इसमें उतनी ही साइन होती है, बहुत सारे लिप कलर आप देखेंगी कि होते हैं जो बहुत रूखे हो जाते हैं, पर ये बिल्कुल भी स्मूथ रहता है, रूखा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये रेड नहीं है बिल्कुल भी, रेड से थोड़ा सा हटकर कलर है, ये लाइट की वजह से आपको कलर चेंज दिखेगा पर रेड नहीं है। और मुझे तो ये बहुत पसंद आई। अब आप लोग बताइएगा, अभी इसमें साइन भी है, सबसे बड़ी चीज़ जो है ये है कि आपको अलग से लिप ग्लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये साइन बिल्कुल ऐसे ही करता रहेगा। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं कि कुछ भी नहीं लगाऊंगी, आपके सामने ही बात कर रही हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ये सूख जाए उसके बाद हम देखेंगे, अभी टच करेंगे बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो कितनी भी आपने देखा था, आप लोगों को बताया था हुडा ब्यूटी के जो 1700 या 1900 की जो लिप कलर था वो उसमें हमने दिखाया था कि वो ट्रांसफ़र हो जा रही थी, बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र हो रही थी, और इसमें इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो ये सबसे एक लिपस्टिक का जो सबसे अच्छी खासियत होती है वो ट्रांसफ़र ना हो तो ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो ट्रांसफ़र हो रही है तो आप कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, या आपके फेस पे पसीना ही आया, आप टच कर रहे हो, तुरंत लिप कलर लगा और दूसरे फेस पे दूसरे पार्ट पे लग गया,
तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, अगर कुछ अच्छा लिप कलर आप लोग ढूंढ रही हैं तो मैबलिन का, मैबलिन फिट मी का, ये बहुत सुपर स्टे, बहुत ही मैबलिन मैबलिन न्यूयॉर्क, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, तो उम्मीद है कि ये अब ये सूख गई होगी। अभी मैं देखती हूँ, थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है कि अभी ये, हाँ हल्का सा है, अभी ये गीली है क्योंकि मैंने थोड़ी सी मोटी लेयर लगाई हुई थी, तो बस थोड़ा सा जल्दी से सूख जाए। और अभी आप लोगों के साथ वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, अपलोड कर पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अभी कर ही क्या सकते हैं, मतलब इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे से प्रॉपर बैठ कर बता पाऊँ। और मैंने थोड़ा सा हेयर स्ट्रेट किया हुआ था, शादी में जाना था तो अभी 2 दिन पहले का, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी भी है। चेक करती हूँ, मुझे आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को कोई ये लगे कि नहीं मैं गलत बता रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा, देखिए ये जहाँ पर गीला है, जहाँ पर अभी इसमें है, मतलब हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया था, तो जहाँ पर अभी है वहाँ पे आप देखेंगे कि वो निकल रहा है, बाकी जगह पे आप देखेंगे कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, जहाँ पे अभी थोड़ा सा है। और अगर कोई जल्दबाजी भी आपको है तो आप एक टिशू लीजिए, और अगर आपको जल्दी है तो आप एक टिशू लीजिए इस तरीके से। तो अगर आप साइन चाहिए तो थोड़ा देर वेट करिए, अगर आपको मैट लुक चाहिए तो आप इस तरीके से एक टिश्यू लेकर कर लीजिए। अभी आप देखेंगे अब आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं लग रहा होगा, देखिए तो बिल्कुल मैट है। और आप कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा 2-4 मिनट इसको छोड़िए, ठीक है। मैं बहुत अंदर तक नहीं लगाई क्योंकि मैंने ब्रश नहीं लिया था, इसलिए आपको अंदर का पार्ट दिख रहा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसलिए मैं ये वीडियो बनाई दिखाई, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ऐसे भी लिप कलर है जो आपके बजट में है, ये 500 के आसपास है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो काफ़ी समय तक चलेगा, जल्दी सूखेगी भी नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत 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 ज़्यादा स्मूथ है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कुछ बहुत ज़्यादा, और मैंने फिनिशिंग से इसको नहीं लगाया है, पहले आउटलाइनिंग करके तब लगाते तो और ज़्यादा फिनिशिंग से लगता और ज़्यादा खूबसूरत लगता, पर मैंने सिर्फ ऐसे ही लगाया, वो भी इस कैमरे में देख कर लगाया, शीशे में भी देख कर नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पर फिनिशिंग बहुत कम आई है। पर मैंने टोटल इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चेक करने के लिए, आप देखेंगी चेक करने के लिए ही मैंने इसको जो है लगाया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, प्लीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।